वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो भी स्किन के टिप्स गाइस। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, रिबॉन्डिंग हेयर ट्रीटमेंट हम कैसे करें। गाइस आज मैं इसी की थ्योरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल की नोटिफिकेशन बेल आपने अभी तक नहीं दबाई तो नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। नंबर फर्स्ट पे आएगा हमारा हेयर वॉश। नंबर फर्स्ट पे आएगा हमारा हेयर वॉश, लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट होता क्या है। गाइस रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट एक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होता है जो हमारे हेयर का टेक्सचर बिल्कुल चेंज कर देता है, ठीक है गाइस। हमारा जो नेचुरल हेयर टेक्सचर होता है वो चेंज करके एक अलग ही लेवल का टेक्सचर हमारे सामने आता है, जो हमारे सामने स्ट्रेटनिंग जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल 100%। ओके फ्रेंड्स, ये होता है रिबॉन्डिंग। और स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में आपको फ़र्क बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम आज बात करेंगे रिबॉन्डिंग हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। ओके गाइस, हम यहाँ पे सबसे पहले करने वाले हैं हेयर वॉश। हेयर वॉश के बाद हम सेकंड करेंगे क्रीम स्ट्रेटनिंग क्रीम। यहाँ पे सेकंड हम करेंगे स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई हेयर में सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के। गाइस बहुत अच्छे से हमें फाइन सेक्शन लेना है और रूट पे से मतलब स्कैल्प में से हम हाफ इंच छोड़ के ही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेटनिंग क्रीम को अप्लाई बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे फिर आता है थर्ड नंबर हमारा विजुअल चेक। गाइस हम विजुअल चेक जब करते हैं, जब हमारे सामने ड्राई डैमेज रफली हेयर होते हैं तब हम विजुअल चेक करते हैं। अगर हमारे सामने वर्जन हेयर है या किसी के बहुत अच्छा टेक्चर है तो उसमें विजुअल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 35 मिनट तक आप रुकिए, वेट कीजिए, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। एंड जब आपको मैंने बता ही दिया था कि बॉन्ड ब्रेक हम कैसे करते हैं, बाल पकड़िएगा खींचेगा, अगर उसमें से स्प्रिंग हो रहा है तो समझ लीजिएगा वो ब्रेंड बॉन्ड ब्रेक हो चुका है एंड हम उसको वॉश कर दें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थर्ड आता है, जब हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे हेयर वॉश हेयर वॉश करेंगे उसके बाद हम, ठीक है गाइस। हेयर वॉश करने के बाद हमें सिंपल वाटर से हेयर वॉश करना है, उसके बाद हम करेंगे मास्क अप्लाई। उसके बाद हम करेंगे मास्क अप्लाई हेयर में। मास्क अप्लाई को हम 5 से 7 मिनट तक रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी फिर हम सिंपल वाटर से रिंस आउट कर देंगे। नंबर 5 पर आता है हमारा ड्रायर फुल 100%। हम यहाँ पे 100% ड्रायर करेंगे। ओके, 100% ड्रायर हम इस वजह से करेंगे क्योंकि जब हम प्रेसिंग करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी नमी या बिल्कुल भी हल्का सा भी पानी नहीं रहना चाहिए हमारे हेयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि फिर वो धुएँ उठते हैं, जो कि आप देखते हैं कि जब प्रेसिंग करते हैं हम हल्का हल्का सा धुएँ उठता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम जो 7 नंबर है फिर करेंगे हम प्रेसिंग करेंगे। यहाँ पे प्रेसिंग जब हम करेंगे फ्रेंड्स, प्रेसिंग काफ़ी फाइन पतले सेक्शन, जैसे कि ये पेन है गाइस, इसके जितना सेक्शन आपको लेना है, सेक्शन क्लिप से आप सेक्शन निकालिएगा, ठीक है, इतना पतला आपको सेक्शन लेना है और उस पर ही आपको वर्क करना है, ठीक है। जितना फाइन सेक्शन होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा रिबॉन्डिंग का। जब हम सारा का सारा रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर आइनिंग से कंप्लीट कर लेंगे, आइनिंग का जो हमारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम फिक्सर अप्लाई करेंगे। फिक्सर मीन्स न्यूट्रलाइजर।
न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे। न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइजर जब हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के 10 मिनट्स में, इसकी टाइमिंग जब हम रखेंगे तो 10 to 15 मिनट की हम इसकी टाइमिंग रखेंगे यहाँ पे। ओके, फिर इसको 15 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे सिंपल वाटर से, सिंपल वाटर वॉश हेयर। ओके गाइस, 15 मिनट के बाद हम सिंपल वाटर से वॉश करेंगे, फिर जो हमारा 10 नंबर होगा वो फिर से हेयर मास्क। अगर गाइस आपके पास हेयर मास्क नहीं है तो आपके पास लॉरियल का हेयर स्पा की क्रीम होगी, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशनर अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि कंडीशनर और मास्क में डिफरेंस होता है। मैं आपको सेकंड जब इसके बाद थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है गाइस, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कंडीशनर और मास्क में क्या डिफरेंस है, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम हेयर मास्क ही अप्लाई करेंगे, या आप लॉरियल की क्रीम स्पा की वो यूज़ कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं 10 मिनट्स आप अप्लाई कर दें, 10 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स करते हैं, 7 मिनट्स कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 मिनट आप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। जितना टाइम अप्लाई करते हैं उतना ही हमारे हेयर में मॉइस्चर जाता है एंड शाइन इफेक्ट आता है। ओके फ्रेंड्स, अब 11 नंबर पर आता है हमारा 100% ड्रायर। ड्रायर करेंगे 100%। ओके फ्रेंड्स, 100% ड्रायर करने के बाद हैवी सेक्शन लेंगे, जो 12 नंबर होगा इसमें हैवी सेक्शन हेयर प्रेसिंग हैवी सेक्शन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैवी सेक्शन लेंगे हेयर के एंड उसमें फिर सेक्शन बाय सेक्शन प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग यहाँ पर हम करेंगे, जब हम प्रेसिंग कर देंगे उसके बाद हम सीरम अप्लाई करेंगे हेयर में। सीरम अप्लाई 2 से 3 ड्रॉप आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके सामने रिजल्ट होगा बहुत ही अच्छा। फिर उसको क्लाइंट को हम 48 आवर्स के बाद बुला सकते हैं वॉश। फर्स्ट वॉश जो होता है वो सलून के अंदर ही होता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि सलून के अंदर देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई और प्रोफेशन वगैरह उनको बता देते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। उनको कान के पीछे बाल नहीं करने होते हैं, ठीक है गाइस, जब सोते हैं तो हेयर थोड़ा ऊपर करके सोते हैं, ठीक है, कोई क्लचर नहीं लगा सकते, कोई हेयर बैंड नहीं लगा सकते। ये चीज़ें उनको आप बताएं कंसल्टेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सेफ्टी में रखनी है। गाइस, ये होता है रिबॉन्डिंग का करने का पूरा प्रोसीजर। फर्स्ट हेयर वॉश, सेकंड स्ट्रेटनिंग क्रीम, हेयर वॉश, थर्ड मास्क अप्लाई करना है, फिर ड्रायर 100% करना है, फिर सेक्शन बाय सेक्शन फाइन सेक्शन में प्रेसिंग स्टार्ट करनी है हमें करनी। फिक्सर, जब हमारी प्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर फिक्सर न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद 10 to 15 मिनट्स मास्क अप्लाई करना है, सिंपल वाटर से वॉश करना है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा 100% ड्रायर होगा, फिर उसके बाद हैवी सेक्शन निकालने हैं और उसमें प्रेसिंग करनी है, ठीक है। रिबॉन्डिंग का ये होता है प्रोसीजर पूरा। इसके बाद आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, 100% स्ट्रेट हो जाएंगे, स्मूथनिंग की तरह 80% नहीं होंगे क्योंकि इसमें हमने डबल प्रेसिंग की है। ओके फ्रेंड, चलिए, आपके थ्योरी समझ आ गई होगी। इनफैक्ट अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को मैं सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियोज़ पर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।